हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। तो मैं सुबह उठ गई थी जी 5 बजे, सारी रात भी सो नहीं पाई फ्रेंड्स। मेरा पेट ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे बहुत ही ज़्यादा मरोड़े पड़ रहे हैं और साथ में लूज मोशन भी बहुत ज़्यादा लगे है जी। और पता नहीं बरसात करके हो रहा है जी, बरसात का पानी कहीं से ब्रिज में ना जा रहा, बरसात का पानी कहीं पानी के बीच मिक्स ना हो रहा जी। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैंने लिया है जी नमक और चीनी का घोल, मेरे से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा जी। बच्चे को पूरी के इधर कर रहे हैं जी रूही के पापा ब्रेकफास्ट, तो बच्चे चले गए जी आपको स्कूल, तो रोटी पानी बन गया जी, तो मैंने भी ले आई जी अपने लिए रोटी। तो ये है जी दो पूरी बनाई थी बच्चों के लिए स्कूल के लिए। तो इधर तो है जी आलू की सब्जी और घिया की सब्जी भी थी जी, तो मैंने आलू की सब्जी ली है, मैं घिया की सब्जी नहीं खाऊंगी। इधर टी रख ली है जी, तो आप भी कर लो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट आ जाओ। तो करते हैं जी फिर दिन की शुरुआत होएगी जी फ्रेंड्स, तो करना थे जी। तो ये सारा काम अभी फ्रेंड्स पड़ा है। तो कन्नू आ गई है जी स्कूल से, लग गई अपना कलर करने फ्रेंड्स। तो रूही अभी आई नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इतनी हार दवाई थी मेडिसिन की मैंने कॉल ली थी, तो मेरे से फ्रेंड्स खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। तो अभी इसको तो फ्रेंड्स कन्यू कर रही है जी अपना स्कूल का काम, क्योंकि मैं काम तो कुछ हो नहीं रहा है। मैंने खाना पीना सुबह बना लेता, नो कलर नहीं करना, उसे काम ही करा लेती हूँ फ्रेंड्स। बैठ के खड़ा ही नहीं रहा जा रहा, पता नहीं क्या हो गया ऐसे गुड़ पेट में दर्द भी होता। जे लिखो जे, डंडा लगा पहले डंडे नीचे, तो इसको स्मॉल लेटर सिखा रहे हैं जी स्कूल से ही। फिर ये सो जाएगी जी, फिर होमवर्क करती नहीं है। क्यों नहीं आया? के लिखो, क्यों नहीं आया? रूही अभी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी ऐसा हो लूज मोशन, तो टाइम से मेडिसिन ले लेना, नहीं तो कमजोरी आ जाती है। ओआरएस का घोल पीते रहो। और हाय फ्रेंड्स, कैसे हो, आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। तो मेरी तबीयत पहले से बेहतर हो गई है फ्रेंड्स, तो थोड़ा बहुत तो होगा जी। बच्चों को मैं क्या कि जी लंच वंच कर दिया, साफ़ सफाई मैंने कर दी है फ्रेंड्स, हल्की फुल्की बर्तन भांडे भी धो लीजिए, बच्चों को खाना खिला कर अच्छे जी खुद भी खाना खा लिया। तो फ्रेंड्स मेरे तो फिर मैंने क्या कि जी केला और दही का, अगर किसी को भी लूज मोशन लग गया से पेट में कोई दिक्कत हो तो आप पानी पीते रहो जी, नमक और चीनी का घोल लेते रहो, नींबू पानी पीते रहो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं रात से ही बहुत परेशान हूँ फ्रेंड्स, पता नहीं क्या हो गया। तो उसके बाद अब खड़ा नहीं रहा जी, कमजोरी है, लूज मोशन तो रुक गए हैं, लूज मोशन में तो इतना कुछ है नहीं, तो मेडिसिन खाई थी फ्रेंड्स, तो लूज मोशन रुक गए हैं। तो अब बैठी हूँ जी मैं, कमजोरी से तो फील होती ही है फ्रेंड्स, सारी रात से यानी है। तो कामकाज हो गया जी, धीरे धीरे कामकाज कर लिया है फ्रेंड्स, तो कामकाज नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं होगा, अकेले अकेले बच्चे जी, तो बच्चे को भी देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स बैठे हैं जी, तो अब मैंने दही के साथ दही और केला खाया जी, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत आराम मिलता है जो मरोड़े होते, तो दही और केला भी खा सकते हैं जी। तो मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि जी मैंने नींबू और चीनी का घोल पीती रही मैं, नींबू पानी चीनी का घोल जो भी आपको, तो आपको मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा फ्रेंड्स, सारी रात सोने सुबह मेरे को मेडिसिन खा के नीची नींद है। जब बच्चा दोपहर में आया जी, फिर मैं उठी, फिर मैंने जल्दी जल्दी काम किया फ्रेंड्स। तो यही बोलती हूँ जी, बरसात का मौसम है, सारे अपने बच्चों को बचा के रखो, खुद भी बच के रहो, क्योंकि पानी गंदा आता है जिससे ब्रिज का पानी मिल जाता है, मिक्स हो जाता है पानी के बीच। तो बॉयल करके पानी पियो फ्रेंड आजकल, ORS अपने घर में रखो, इतना बोल ORS रात को कहाँ जाए, चलो इधर तो शॉप नज़दीक में है जी, जा सकते हैं फटाफट ORS का घोल पीते रहो। कोई भी किसी को ऐसे हो तो बरसात का मौसम ऐसे ही चलता रहेगा फ्रेंड्स की वजह से। तो रोएरा तो आ गए थे जी स्कूल से, तो मैं सुबह से वीडियो ही नहीं बना पाई, मैं तो खड़ा नहीं, मैंने कैसे कैसे खाना बनाया मुझे पता है जी, मैं उसे खड़ा ही नहीं रह जाता तब बोलना। फिर 6:30 बजे रूही के पापा ने मुझे आवाज़ मार दी थी, तो रूही के पापा ने पता लग गया था जी की सोई नहीं सर जाता, उन्होंने थोड़े बर्तन भांडे धो दिए थे, आलू बॉयल करने को लगा लिए थे जी बच्चों के लिए परांठे के लिए। रूही रोज़ हमारे आलू का परांठा मांगती है खाने के लिए, कि मुझे आलू का परांठा ही दिया करो, स्वास्थ्य सब मुझे अच्छा लगता है, सब्जी इसीलिए नहीं करके दे सकते क्योंकि कभी सैंडविच दे दो, कभी पराठी दे दो, क्योंकि बच्चे से गिर जाता है जी, अभी बच्चे छोटे हैं, तो फ्रूट दे देती हूँ जी, पराठे दे देती हूँ। तो मैंने फ्रूट कैसे बनाया जो मुझे पता है सुबह, फिर मैंने दोपहर का खाना भी सुबह बना के रख लेता है, क्योंकि मेरे को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेडिसिन खा के दही भी अकेला खा के
तो मेरी तबीयत थोड़ी सी बेटर फील कर रही हो फ्रेंड्स। तो बच के रहो जी, बरसात का मौसम है, इतना ही बोलूँगी। अब करूँगी जी थोड़ा सा रेस्ट। इन्होंने बोला मुझे कि रेस्ट कर, जितना रेस्ट हो सकता है। ज़्यादा हो गया तो बहुत पंगा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सामने वाला भी कोई नहीं है, घर पे काम करने वाला भी कोई नहीं, बच्चों को स्कूल भेजो, बच्चों का होमवर्क करा, खुद ही सारा कुछ है जी। तो इसलिए बचाओ अपने आप को, जब भी ऐसा चीज़ वगैरह लगे, कुछ भी ऐसा फील हो तो जी आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। क्योंकि मैंने भी एकदम से मेडिसिन खा ली जी रात को। मुझे ऐसा जी, मैंने रात को ऐसा तो कुछ भी नहीं खाया था फ्रेंड्स, कि ऐसा कुछ खाया हो बाहर का। बाहर की चीज़ें तो हम बिल्कुल भी नहीं खाते, क्या पता चला से पानी की वजह से हो गया हो। तो हो सकता है जी, कभी कुछ पता नहीं होता है। तो बैठे हैं जी, ज़्यादा नहीं है जी, बस नहीं है जी। आज तबीयत ठीक नहीं, तो आज आप वीडियो नहीं बना पाई फ्रेंड्स।